हेलो स्टूडेंट, मैं विनय कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लैटर रूल्स के नाम से भी जानते हैं। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और यह हमारा जो सिलेबस है ये जेई का सिलेबस, और ये हमारा जो सिलेबस है ये नीट का सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि जेई और नीट में पूछा जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लैटर रूल्स, और ये 11th का टॉपिक है। और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस में इस तरह का हमें पढ़ने को मिलता है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास एटम है और हम जानते हैं कि एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो है ये इसका शेल है। ठीक है, और हम जानते हैं कि शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे के सारे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ किस तरीके का फोर्स फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स आता है, जो फील होता है, वो होता है आपका अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियस अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ड्यू टू अपोजिट चार्ज। जबकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में सेम चार्ज होने के चलते यहाँ पे रिपल्सन काम करता है। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ने क्या देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में हम लोग एटम्स के अंदर आउटर मोस्ट शेल पे हम देखने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस कितना फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितने तरीके की फोर्स अपने ऊपर, इंटरेक्शन अपने ऊपर फील करता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ टू टाइप्स का इलेक्ट्रॉन फील करता है। फर्स्ट जो है वो अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, और जो सेकंड है दैट इज रिपल्सन्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए, हम लोग अब जानते हैं कि आखिर जब भी हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं, ड्यू टू द रिपल्सन्स बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है उनके रिपल्सन्स होने के चलते जो आउटर मोस्ट पे जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो घट जाता है, और इसी घटने को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से जानते हैं। यानी जो जेड इफेक्टिव होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम्स के, यानी साइज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा जेड इफेक्टिव उतना ही क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब देखिए, हम लोग शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने चल रहे हैं कि होता क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है, शेल है, और ये सभी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए, अगर हम इस आउटर मोस्ट पे अगर इसकी बात करें, इस न्यूक्लियस का पूल देखें, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन द पूल ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट जो होगा वो डिक्रीज होगा। इसका ये मतलब होगा कि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये इनर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग का काम करते हैं और ये शील्ड कर देते हैं, जिसके चलते जितना फोर्स इसका इस पर लगना चाहिए था उतना नहीं लगता है। ठीक है, इसी को हम लोग शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो तरीके का फोर्स हमने पढ़ा है कि एक तो अट्रैक्शन और दूसरा जो है वो रिपल्सन्स काम करता है।
लेकिन अब जो है ये जो हम इनर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये शील्ड की तरह काम कर रहा है। और इस तरह से ये काम करने से जो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग पावर की बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन जितना करीब होगा इलेक्ट्रॉन को वो उतना ही ज्यादा शील्ड करेगा। तो ये ऑर्डर होता है, एस का शील्डिंग पी से ज्यादा होता है, पी का शील्डिंग डी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, और डी का शील्डिंग एफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। इसी को हम लोग दूसरे टर्म में पेनिट्रेशन पावर बोलते हैं, यानी एस का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। डी और एफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये शील्डिंग इफेक्ट में हेल्प नहीं करते। शील्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम्स के। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव प्रोपोर्शनल टू होता है साइज ऑफ, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जेड इफेक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम की, जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ लिया। अब देखिए, जो हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर हम स्लैटर रूल्स के द्वारा जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, हम लोग स्लैटर रूल्स का यूज करते हैं जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने के लिए। तो जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू होता है जेड माइनस सिग्मा, ठीक है ना, जहाँ पे सिग्मा जो है वो स्लैटर कॉन्स्टेंट है, या शील्डिंग कॉन्स्टेंट भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो जेड एटॉमिक नंबर है और सिग्मा जो है वो स्लैटर कॉन्स्टेंट है, या इसी को हम लोग शील्डिंग कॉन्स्टेंट के नाम से जानते हैं। इट सिग्निफिकेंट सिग्निफाई द इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और ये किसको बताता है, इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को बताता है। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा का। तो देखिए, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है सेल वाइज, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है एन प्लस एल रूल की तरफ। सेल वाइज का मतलब ये हुआ कि देखिए, यहाँ पे हमने जो शेल है सबको एक साथ लिखा है, जैसे डी वाले और फोर एस वाले में हम लोग पहले फोर को लिखते हैं फिर डी को लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। हमें सभी शेल के जितने भी सब शेल होते हैं उनको एक साथ लिखना है। जैसे हमने 3s, 3p, 3d लिखा है, 4s, 4p, 4d, 4f लिखा है, अगर 5 होता तो 5s, 5p, 5d एंड सो ऑन, इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको n प्लस l रूल के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। देखिए, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन इस सबसेल में हो, जब हाइड्रोजन और हीलियम की बात होती है, तो ऐसे केस में हम सिग्मा निकालने के लिए क्या करते हैं कि 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आउटर मोस्ट में शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके हम लोग ये कैलकुलेट करते व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस एंड पी सबसेल। अगर एस और पी सबसेल में होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करके 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 0.85 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एन माइनस वन शेल, यानी आउटर मोस्ट से अंदर जो शेल होते हैं, और प्लस उसके बाद वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन डी और एफ शेल में होता है, तो वैसे केस में हम 3.5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस वन डी सबसेल के जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें ये करते हैं, प्लस रिमेनिंग को हम लोग वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एफ के लिए भी यही यूज होगा। अब आइए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो हमने लिखा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ठीक है। अब ये यहाँ पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जिंक का लिखा हमने 1s2, 2s2, 2p6, देखिए अब 3 वाले को एक साथ लिखना है 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। अब चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हीलियम के लिए कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो
यहाँ हमने फॉर्मूला क्या बोला था सिग्मा के लिए, 0.3 इनटू आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हाइड्रोजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s1। अब देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे केस में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा, और 0 से 0.30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस से पा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में जेड इफेक्टिव जो होता है वो नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन हम तब करते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू 1 ही आएगा। हीलियम के केस में देखिए एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो 0.30 × 1 तो 0.30 हो जाएगा, और इस तरीके से जेड इफेक्टिव आप निकाल लीजिए तो 2 माइनस 0.30 1.7 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और जब एस और पी सबसेल में होता है तो ऐसे केस में हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, 0.35 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल माइनस 1 प्लस 0.85 × नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 सेल प्लस 1 × रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे सोडियम का निकालना है हमको, सोडियम का हमको जेड इफेक्टिव 3s वाले इलेक्ट्रॉन में निकालना है। देखिए जेड इफेक्टिव हम किसी भी इलेक्ट्रॉन में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया कि इसको n माना। ठीक है, तो n के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और उसको हमने 3.35 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने माना n-1, तो n-1 में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 0.85 से मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर रिमेनिंग को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सिग्मा का वैल्यू हमारे पास 8.8 आ गया। जेड इफेक्टिव 11 माइनस जेड 8.8, तो वैल्यू आया 2.2। अब देखिए हम अगर सोडियम में अगर हम पी वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना चाहते हैं कि पी के इलेक्ट्रॉन वाले पे हम जेड इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट करें, तो ऐसे केस में आपको जहां भी कैलकुलेट करना है उसके आगे जो भी आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन है उसको भूल जाना होगा, और फिर आप इसको एन मान लीजिए। ठीक है, और इसको n-1 मान के कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है तो हमें काउंट करना है, एक कम तो 7 × 0.35, और इनर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, और ये वैल्यू हो गया 4.15। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर लीजिए तो आएगा 6.85। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं डी और एफ के लिए, तो डी और एफ के लिए फॉर्मूला आपके पास है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिंक के लिए 4s इलेक्ट्रॉन में, तो फॉर्मूला लगाएंगे s में 1 इलेक्ट्रॉन कम करके हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 25.65, और जेड इफेक्टिव निकाल लीजिए तो 30 माइनस 25.65, तो ये वैल्यू 4.35 आया। लेकिन अगर मुझे 3d इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट करना है तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले को भूल जाएंगे, और 3d के लिए फॉर्मूला देखिए, ये 3d d के लिए हमको निकालना है, तो d में 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या करेंगे 9 इलेक्ट्रॉन × 0.35, और बाकी रिमेनिंग बाकी इसके अंदर जितने भी हैं उनको ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास आ गया 21.15, और जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 21.15, और ये वैल्यू आएगा 8.85। अब पेरिफेरी वाले केस में अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिफेरी टर्म अगर आ जाए तो जो भी पेरिफेरी आ जाए तो ऐसे केस में हम 1 माइनस नहीं करते हैं, तो जब भी पेरिफेरी बोले और बोले कि जिसमें भी कैलकुलेट करना है तो वहां पे जितने भी एंथ में इलेक्ट्रॉन होंगे सबको काउंट करना है और ये फॉर्मूला यूज कर देना। जैसे देखिए मुझे पेरिफेरी टर्म दिया गया है कि Zn K
के लिए, पेरिफेरी के लिए आप निकालिए, तो हम यहाँ फोरेस पे लगाएंगे। और फोरेस पे अगर लगाते हैं तो हम फोरेस में जितना भी इलेक्ट्रॉन है सबको लेंगे और कैलकुलेट करेंगे, और इस तरीके से हम जेड इफेक्टिव का कैलकुलेशन करेंगे। थैंक यू।